shades of yours, you know. With this one, trailer saying it has all the shapes they kind of have. You like the elaboration. आई थिंक मैं ज़्यादा एलैबोरेट नहीं करना चाहूँगा. आई थिंक जितना इकबाल ट्रेलर में दिखाया उतना ही दिखना चाहिए था. एंड बाकी फिल्म में आप इन्जॉय कीजिए इनके रिश्ते को और इकबाल को और सहमत को. बट इट्स बीन एन ऑनर नोइंग इकबाल. इट्स बीन एन ऑनर प्लेइंग इकबाल इन दिस फिल्म. एंड आई इकबाल इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट फॉर द पर्सन ही इज. नहीं, मेरा कोई सिलेक्शन प्रोसेस नहीं है यार. ये उनका सिलेक्शन प्रोसेस है जो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं तो पिंच ही करता रहता हूँ अपने आप को कि सच में ये हो रहा है. तो आई रियली फील ब्लेस्ड, आई रियली फील ग्रेटफुल कि वो मुझे कंसिडर कर रहे हैं अपनी फिल्मों के लिए. एंड ये मुझे और मोटिवेट करता है कि मैं और अपने आप को पुश करता रहूं और सच्चाई से काम करता रहूं और इन लोगों के साथ काम करने का मौका मुझे बार बार मिलता रहे. आई डोंट थिंक लोग ऐसे सोचते हैं. बट हाँ, डेफिनेटली आई फील के चैलेंजिंग तो होना ही चाहिए. जो भी हम काम करते हैं देयर हैज टू बी सम चैलेंज इन इट, अदरवाइज यू नो वो काफ़ी सिंपल और सिमिलर हो जाता है. देन देयर इज़ नो रियल फन टू रियली फील के आपने कुछ अकम्प्लिश किया है. मैं बस यही कहूँगी कि जो भी फिल्म्स मेरे पास आते हैं एंड व्हाटएवर फिल्म्स आई लव, मैं उसे जाने नहीं देती हूँ. आई मेक श्योर आई टेक इट अप. और कभी कभी उसका इतना अच्छा सा फीडबैक नहीं होता है बिकॉज देन द प्रोड्यूसर्स आर स्ट्रगलिंग टू सॉर्ट आउट माई डेट्स. तो मैं पहले से ही कह रही हूँ कि आ जाओ मेरे पास फिल्म के साथ. मैं अगर हाँ कह दूंगी तो आपको डेट्स बाद में मैनेज करना पड़ेगा. ब्रिटिश सेंसर तो छोड़िए, इंडियन सेंसर से भी विदाउट कट्स अप्रूवल मिला है. वो तो बहुत इट्स अ बिग रिलीफ यू नो, बिकॉज जो आपकी फिल्म की सेंसिबिलिटी है और जो आपकी फिल्म की नीयत है अगर वो सही है और वो सामने वालों को समझ में आ गई है जो देख रहे हैं या उसे सर्टिफाई कर रहे हैं, तो उससे बहुत संतुष्टि होती है, खुशी होती है. एंड मतलब सर्टिफिकेशन एक फिल्म के बिजनेस को भी इम्पैक्ट करती है. तो मतलब वो यू सर्टिफिकेशन और 12 ए सर्टिफिकेशन जो ब्रिटिश सर्टिफिकेशन है, फॉर माई प्रोड्यूसर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो बहुत ही अच्छी बात है कि वो हमें मिली. That was like two completely different questions. Senior for Kalank and Raazi, how was the preparation for Sonam's wedding? I'm not really preparing for Sonam's wedding. I'm attending it. I mean, I prepared what I'm wearing, that's done. But other than that, mujhe kuch preparation nahi karna. I just have to go and make merry and have fun. Are you performing for the Sangeet? No, I'm not performing for the Sangeet. Are you Kalank mein bhi aap Sangeet aur Madhuri se pehli baar kaam karne wale hain? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. आई थिंक पूरी कास्ट काफ़ी एक यूनिक कास्ट है. हम सब साथ में आके फिल्म कर रहे हैं एंड इट्स बीन डायरेक्टेड बाय माय वेरी वेरी डियर फ्रेंड अभिषेक. तो फॉर मी ये एक डबल मतलब मज़ा है टू बी वर्किंग विद ऑल दिस ब्यूटीफुल आर्टिस्ट एंड टू बी बीइंग डायरेक्टेड बाय अभिषेक. लाइक करण सेज दैट बोथ द तम्मा तम्मा गैंग्स आर इन दिस मूवी. करेक्ट. ओह यस. Wow. That's so true. You know, like, realistic movie ke baat karo, koi bhi director realistic movie karna bahut challenging hota hai. Do you feel it's more challenging? It is more challenging, and which is a good thing because agar friction nahi ho aur challenge nahi ho to creativity ubhar ke nahi aati. So it's important to have a challenge when you're making a film. At least for me, it makes me work better. Last question. बहुत excited हूँ. हाँ जी, ऑफकोर्स बहुत एक्साइटेड हूँ. एंड इट्स अ रियली स्पेशल फिल्म और कुछ फिल्म मेकर्स और कुछ एक्टर्स होते हैं जिनके साथ आपको काम करना ड्रीम होता है. दैट्स वन ऑफ इट, वन ऑफ देम. सो सेंटर. तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस प्लेन टू पास. बट संजू इज़ अ रियली स्पेशल फिल्म एंड धीरे धीरे एट द राइट टाइम और अनकवर होता रहेगा उस फिल्म के पहले. सो रियली एक्साइटेड. तीनों के लिए राजी मोमेंट क्या रहेगी?
आई थिंक हमारी राजी मोमेंट एटलीस्ट मेरे लिए तो वो टू डू राजी, तो हम राजी हुए हैं और हम राजी हैं. अभी आप लोग को राजी रहना पड़ेगा मूवी देखने के लिए. डन. थैंक यू. थैंक यू. डन. कम कम कम. थैंक यू.